मेरी BMW का शीशा तो उड़ दिया। जो लोग ज़्यादा दारू वारू पीते हैं उनके लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ मैं कि प्रोटीन आता है मेरे ख्याल में 5000 रुपये में ठीक ठाक प्रोटीन मिल जाता है। और अगर तुम किसी भी जिम में साल की मेंबरशिप लेते हो तो 1500 रुपये मतलब मंथली पड़ जाती है, मतलब 25-30 हज़ार रुपये में किसी भी ढंग की जिम में एडमिशन मिल जाता है। तो मतलब महीने का तुम्हारा खर्चा हुआ 6500 रुपये का। उसमें तुम्हारी बॉडी भी बनेगी, हेल्थ भी सही रहेगी, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और तुम दारू पीते रहोगे, मतलब दारू भी पी लो, मैं ये ना कह रहा कभी तुम कहोगे भाई तुम तो दारू से कट कर रहे हो हमारा, जैसे पीने उपयोग पर कम कर दो। मतलब एक बोतल अगर तुम हिसाब लगाओगे तो 2000 रुपये, मतलब अगर सस्ती वाली भी लगाओगे तो 1000 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये की तो एक आती होगी, एक बोतल एक दिन में ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद मतलब पीते भी तुम, मतलब जो रोज़ पीते होंगे वो रोज़ पीते होंगे। अब उनका हिसाब किताब ये है कि महीने में अगर तुम 30 दिन है तो 20 दिन भी पी रहे हो तो 20000 रुपये का खर्चा हो गया दारू दारू का। उसमें तुम अपना शरीर भी ख़राब कर रहे हो, पैसे भी ख़राब कर रहे हो, कोई फ़ायदा भी ना। इससे अच्छा तो कोई अच्छा शौक पालो ना। अगर जिम का शौक जैसे लग गया, एक बार जिम की लत जैसे लग गई, वो मतलब ये नशा भाई दारू के नशे से बहुत ऊपर है, समझ रहे हो? तो ये नशा करो कुछ ढंग का यार। क्यों लक्की, दारू पीनी छोड़ दे तू भी अब? हाँ छोड़ देगा? हाँ ना बता, छोड़ देगा ना दारू पीनी छोड़ देगा? मैंने पीना है। दे यार छोड़ दे, ठीक है मैंने पीना है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसी रही आप लोगों की दिवाली कमेंट करके जरूर बता देना मेरे को। ये देखो, ओ हेलो गाइस, क्या हाल चाल? ऐसे चप्पल में जाएगा तू? अरे तो चप्पल लेकर आने भाई, नए पहनूंगा चप्पल उतारूंगा। ओह हाँ, ये क्या लोग हैं यार, ये कपड़े जूते लेने जा रहा तो चप्पल में जा रहा घर से, बताओ। तो गाइस ठीक ठाक सर्दियाँ शुरू हो गई है, रात को पंखे की जरूरत मेरे को तो पड़ती है। तू चलाए करे पंखा? यो भी चलाए करे, आप लोग पता ना चलाते हो नहीं चलाते, लेकिन जड़ तो है नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो बिना पंखे के भी सो सकते हैं, अब ऐसी कोई खास, सुबह सुबह थोड़ा ठंड सही हो जाती है, सही मौसम होता है ठंडा सा। अब आदत पड़ रही है ना, तो घने दिन बाद छुटेगी, सही कह रहा हूँ ना? छुटेगी इतना गर्मी आ जाएगी, छुटन ना दे आदत। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा महंगा होने वाला है, क्योंकि इसे चाहिए जूते कपड़े बहुत सारे, कपड़े कच्छा बलियान सब कुछ चाहिए मुझे, कच्चे भी महंगे वाले लाया कानू कह रहा। और मैं बिल भरने जा रहा हूँ इसका आज, तो ये कितना भी खर्चा बैठा सकता है उसका कोई आइडिया नहीं मेरे को। तुम बताओ कितना बैठेगा? सही जवाब पे, सही जवाब पे तू ही बता। सही जवाब पे तुम्हें इनाम मिलेगा बहुत तगड़े वाला। मैं नहीं दूंगा, मेरा तो पहले ही खर्चा हो जाएगा, यही देगा इनाम जो देगा। इसके इंस्टाग्राम पर जाके ले लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी एम्बियंस मॉल, पटियाला की कमी है हमारे ग्रुप में, पटियाला मिसिंग है अभी, पटियाला को याद कर रहे हैं। पटियाला की तरह मिस कर रहे हैं पंडा आप? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पटियाला ब्रो। पटियाला अभी पंजाब गया, मतलब पटियाला ही गया हुआ है क्योंकि दिवाली है, तो दिवाली वाली मनाने के लिए घर वालों के साथ। लेकिन पटियाला तो आड़ी बड़ी याद आंदी पई। बहुत ज्यादा मिस करता पिया मैं तुहानू, तुहानू तुहानू लख लख वधाइयां सारे त्योहारां दी। इतनी काजू कतली खा के आई कि 80 किलो दा हो जाई। पटियाला की ऐसी हाय लगी, मॉल बंद पार्किंग बंद पूरा यूके। अच्छा मैंने कहा गाड़ी में क्या रॉकेट से छुट रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, किसी और मॉल में देख लेते हैं। सारे से ही शोरूम ऑफ है यार, दिवाली तो रात की होएगा रहा है, क्योंकि मतलब है दिन में ही सब कुछ बंद कर रखा है, मॉल माल सब कुछ बंद है। मेरे को लेना ट्रैक सूट ही ना, लेने जूते और कपड़े। कोरोना का कोई वो ना है, कोरोना तो खत्म हो लिया अब, कोरोना इतना लहरा जितने नीचे मेरे मास्क है ना, ऐसे मास्क भी आजकल पब्लिक इसलिए पहन रही पुलिस वाले से बचने के लिए। लानी सामान ही ना था लेकिन अब भी मैं ही आया हूँ। ये लोग कुछ खरीद ही ना सके, इनकी जिंदगी खराब है यार। पंडा क्या करोगे यार तुम्हें, सामान लेने में इतना टाइम, तुम मेरे तो कहते कुछ बिठा ले कुछ बिठा लेता। मैं तो दो तीन चीज़ और उठा रहा था पर इन्होंने मना कर दी, मतलब उठाना रहा था, मतलब बिल करवा रहा था पर इन्होंने मना कर दी कि अच्छी नहीं लग रही। ऐसा होगा जैसे सामान ब्याह के बराबर, ब्याह और सामान दोनों ही नसीब ना हो रहे। गाइस अगर पंडितों में कोई लड़की हो आपकी नज़र में, कहीं की भी पंडितों में ना भी हो किसी में भी हो, तो हमारा भाई ब्याह का दावेदार एक बार कह दे, सच सीरियस मान लेंगे ताकि। सीरियस हो भाई, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, यहीं कहीं हो जाएगा। MBA कर रखी है लड़के ने और मारुति कंपनी का मालिक है, जो भी कुछ भी काम हो मारुति से रिलेटेड सब कुछ करवा देगा, हुंडई पुंडई सब का सब में जान पहचान। तो कोई भी हो दावेदार तो बता देना प्लीज, इंस्टाग्राम पे मेरे को ही बता देना, मैं इसे घर रिश्ता ले जाऊंगा, ठीक है भाई? ठीक भाई, डन। कहीं भी हो, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, यूपी, कहीं भी हाथ जोड़ के विनती।
हाथ जोड़ के विनती ला 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 ना जब भी सीरियस लेंगे यार सब, वरना सोचेंगे मजाक कर रहा है। अब सबको दिख रहा है कि वो सीरियस है तो सब सीरियस लेंगे। क्या पता यूट्यूब पे रिश्ता हो जाए। क्यों भाई सीट बेल्ट वाली शादी है। हाँ बैंड बाजार बरात हो जाए। हेलो गाइस दिस इज डे टू और आज है गोवर्धन। गोवर्धन नहीं गोवर्धन होता है, वैसे हमारे यहाँ गोवर्धन बोलते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ प्रसाद के रूप में बटता है कढ़ी बाजरा और भुज्जी, मतलब कढ़ी बाजरा ही बोलते हैं मेन जो होता है वो। पहले मैं बहुत दबा खाया करता, इस बार मैं ना गया, कुछ तो डाइटिंग चल रही है कुछ, मैं गया ही ना। मैंने कहा यार कोविड वोविड का चक्कर है और कुछ, मैं वैसे ही ना गया, बस मन ना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी सबकी। इस बार दिवाली पे मैंने एक चीज नोट करी कि मतलब लड़कियों के पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं ना त्योहारों पे पहनने के लिए। मतलब कोई लहंगा पहन रही है, कोई सूट सलवार, कोई घाघरा चोली, पता ना क्या क्या पहन ले। मैं और छोरहन के पास एक बार कुर्ता पहन लो भाई, ज्यादा ज्यादा कुर्ता। कोई लाल ले आया, कोई संतरी ले आया, कोई हरा ले आया, मेरे जैसा लाया ही ना। तो कुल मिला के गलत है, मतलब लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा हर चीज में। मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। हमारे लिए भी होनी चाहिए, हमारे भी लड़कों के भी घाघरा वाघरा कुछ, मतलब कुछ बढ़िया होना चाहिए ना लड़कों का भी। कुर्ता पजामा पहन लो ज्यादा ज्यादा, इससे क्या है। अब मतलब दिवाली विवाली पे कोट पैंट वोट पैंट ये तो पहन सके, शेरवानी पहन घूम रहे तो अच्छा भी ना लगे। गलत है यार, छी। तो गाइज मैं अपने ऑफिस पे आ गया था और आज जैसे कि आज गोवर्धन के साथ साथ आज मावस भी है। अब पता ना तुम लोगों को पता होगा ना होगा मावस क्या होती है, पता होगा जो गांव वाले हैं जो अपने देसी लोग हैं उन्हें पता होगा, जो ज़्यादा ही शहरी है उन्हें ना पता होगा। पर होता है कुछ ये मतलब पितरों के लिए होती है, मेरे को भी इतना डिटेल में नहीं पता, पर पता है आज मावस थी तो फिर मम्मी ने वो बना रखी थी खीर वगैरह, तो प्रसाद के तौर पर खानी पड़ती है। तो मैं वो खा के आया था, इसलिए मैं प्रोटीन नहीं ले पाया आज सुबह, तो अब ले रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोट करी इस बार दिवाली पे, जो पोल्यूशन था वो दिवाली से पहले ज़्यादा था, दिवाली वाले दिन इतना नहीं था, पता नहीं क्यों। मतलब दिवाली से पहले अगर मैं अपने यहाँ से भी बाहर भी देख रहा था तो धुआं ही धुआं दिख रहा था। अब दिवाली के बाद ठीक होगा, बम पटाखे छुटाने से शायद पोल्यूशन कम हो गया इस बार, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को फील हुआ ऐसा। यार कोई ढंग की सी घूमने की जगह बता दो यार, जहाँ मतलब मज़ा ही आ जाए। मतलब बाहर तो बाहर कहीं मैं सोच रहा था कि दुबई वुबई जाने का सीन, लेकिन हर जगह अभी क्या चल रहा है, क्वारंटाइन का चक्कर चल रहा है कि कहीं भी जाने पर क्वारंटीन कर सकते हैं, तो मैं ये वो पता नहीं क्या क्या भसड़ चल रही है। तो कोई ऐसी जगह बताओ जो मतलब अलग सी हो और मज़ा आ जाए जहाँ। अभी क्योंकि मैं ऑफिस पर अकेला हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कोई सीरीज ही देख लूँ बढ़िया सी, अगर कोई आ रखी हो तो। सीरीज हम अपने भी निकाल रहे हैं बहुत जल्दी, दिक्कत मत लो तुम, मैं काम कर रहा हूँ। जो मैंने गाना, ओ यार गाने का अपडेट भाई, गाने का अपडेट भाई सबसे जरूरी काम। गाइज गाने के लिए मेरे पास इंस्टाग्राम पे अभी भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई क्या रहा क्या कब आएगा। मैं आप लोगों को बता दूँ गाने का, मैंने जो सोचा था पहले, हमारे पास गाना मैंने रिकॉर्ड भी कर रखा है गाना, उसकी वीडियो शूट करनी थी। लेकिन अभी मेरा क्या प्लान है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक वेब सीरीज बनाऊँ 3 या 4 एपिसोड की और उसके साथ फिर लास्ट में मतलब गाना दूँ। बहुत सेक्सी लगेगी ये चीज़ सोच के देखो, मतलब इमेजिन करके देखो कि मतलब 3-4 एपिसोड की वेब सीरीज उसके बाद गाना, मेरे को तो बहुत सही लग रहा था। इस पर ही काम कर रहे हैं कि अभी कैसे करना है। अभी मतलब ऑफिस पर यही काम होता रहता है, स्क्रिप्टिंग वगैरह और ये सब होता रहता है। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। मेरे ख्याल में तो मेरे को ये बहुत बेस्ट आइडिया लग रहा है, अगर नहीं तो आप बताना, फिर गाना देखते हैं। लेकिन जिस हिसाब का मैंने सोचा है अगर उस हिसाब का हो गया मतलब 4 एपिसोड या 3 एपिसोड में और उसके बाद गाना आ गया, भाई बहुत गजब की चीज़ लगेगी, मतलब अलग ही चीज़। अभी तक किसी यूट्यूबर ने ऐसा करा भी नहीं है, इंडिविजुअल क्रिएटर ने, तो मेरा ऐसा कुछ प्लान है। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है माहौल, पता नहीं ये इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। लेकिन एक ट्रक वाले ने अभी अभी मेरी BMW का शीशा तोड़ दिया। मेरे को तो रोना आ रहा बहुत ज़्यादा, कुछ कह भी नहीं सकते। अब उसकी भी गलती नहीं थी, पीछे से पता नहीं क्या चलते चलते इतना मोटा पत्थर पीछे एकदम उड़ के आया और इसमें लगा, शीशा चटक गया यार मेरा। वैसे शीशा चटकने वाली हरकत मेरे साथ पहली बार नहीं हुई है, मेरी स्विफ्ट का मैंने मतलब मेरे ख्याल में 3-4 बार चटका चुका हूँ। ऐसी ट्रक वालों के साथ हमेशा मेरा यही सीन होता है, मैं उनके पीछे चल रहा होता हूँ, ज़्यादा तेज चलाऊँ तो फिर वही बात है, तेज चलाते हो पीछे चल रहे हो तो उनके पीछे से पता नहीं क्या निकालते हैं साले के, गैस बनी रहा है, पाद से मारते चले पत्थर आएगा शीशे में लगेगा भटक। अब कुछ कह भी ना सकूँ ना, फिर मार लो, मैं तो मारता भी ना, लड़ाई झगड़े नहीं करता यार। पर उनसे फ़ायदा क्या, मतलब उनकी भी गलती नहीं है, पीछे टायर अगर शीशा मतलब पीछे पत्थर फेंक रहे तो उनकी क्या ही गलती है इस चीज़ में। बस दिक्कत ये है कि स्विफ्ट का शीशा मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार रुपये का आता होगा, लग जाता है वो चेंज हो जाता है, इसका मेरे को पता ना कितने का आएगा। पर इस नुकसान के साथ इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों के त्यौहार व्यवहार बढ़िया रहे होंगे, सब सेफ होंगे, डेली व्लॉग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मेन चैनल के लिए एक वीडियो शूट करके फिर मैं कहीं घूमने के लिए निकलूंगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इंस्टाग्राम पर अपडेट रहेंगे।
तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चेक करके बताना यार BMW का शीशा कोई सस्ते में चढ़वा दे तो।